सब कुछ है मसीह की। आइए हम अय्यूब की किताब उसका अध्याय 19 पद 25 से 26 हम पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रियो, हम अय्यूब की जिंदगी को जानते हैं। अय्यूब जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, आदर करने वाला एक व्यक्ति था और एक समय जब उसकी परीक्षा हुई उसे एक बहुत बड़े दुख से होकर गुजरना पड़ा। कुछ विद्वान इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई दुख उठाने वाला व्यक्ति का बाइबल वर्णन करती है तो वो व्यक्ति अय्यूब है। अय्यूब ने अपने परिवारजनों को खोया, अपने धन को खोया, यहां तक कि वो शारीरिक रीति से भी बीमार हो गया। और इस दुख के मध्य से होकर गुजर रहा था तो उसके मित्रजनों ने भी उसे नकारात्मक बातों के द्वारा उसे कोसा, नकारात्मक बातों के द्वारा उसे घेरा। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे बोला कि तू परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। हम जानते हैं कि कितना दुख, कितना कष्ट उसकी जिंदगी में था, लेकिन इस कष्ट के मध्य भी, इस दुख के मध्य भी आप उसके विश्वास का प्रदर्शन देख सकते हैं कि वो वचन में इस प्रकार कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। और वो ये कहता है कि मैं अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, यानी कि मैं, मेरा शरीर भले ही नाश भी क्यों ना हो जाए, मैं खत्म भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रियो, हम जब अब कई बार ऐसे दुख से होकर गुजरते हैं, संकट से होकर गुजरते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं, चारों ओर लोगों की कड़वी बातों से, नकारात्मक बातों से होकर गुजरते हैं, कई बार हमारा मन सवाल उठाता है कि परमेश्वर कहाँ है। कई बार हम अविश्वासी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन प्रियो हमें अय्यूब के जीवन से सीखने की जरूरत है। इतने दुख के मध्य भी परमेश्वर की महिमा उसने की, और बाइबल इस वचन के द्वारा हमें सिखाती है कि दुख के मध्य भी परमेश्वर की महिमा की जा सकती है, जिस प्रकार अय्यूब ने की। उसने दुख के मध्य परमेश्वर के चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है और मैं एक दिन उसका दर्शन पाऊंगा। दुख के मध्य, कष्टों के मध्य हमारा विश्वास कैसा होता है, हमारा व्यवहार कैसा होता है, क्या हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिस प्रकार अय्यूब के शब्द हैं? परमेश्वर इस प्रकार की महिमा हमारे जीवनों से चाहता है कि अपने जिंदगी के दुखों के मध्य भी हम अय्यूब के समान उसके नाम की महिमा करें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। अगर हमारा जीवन, अगर हमारा चरित्र ऐसा नहीं है, कई बार अगर हम दुख के मध्य भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, तो आइए हम उस परमेश्वर के चरणों में, जीवित परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रख दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं कई बार दुख के मध्य, मेरे जीवन में जब कठिन समय आता है तो प्रभु में गिर जाता हूँ, मैं अविश्वासी की तरह मेरे मन को कर लेता हूँ। परमेश्वर दया करने वाला है। आइए हम अय्यूब के जैसी हिम्मत, सामर्थ और विश्वास को मांगे परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबन प्रभु, ये हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, होने दे खुदाबन कि हमारा विश्वास ऐसा हो जाए प्रभु कि अपने जीवन के दुखों के मध्य भी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सताव हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो कंगाली हो, कुछ भी हो परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में तेरी महिमा कर सकें। हम ये कह सकें कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा जिंदा परमेश्वर है, चाहे मेरा शरीर नाश भी क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं उसका दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर पिता प्रभु जी, ऐसा विश्वास हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर खुदा, हमें इतना मजबूत बना परमेश्वर पिता। हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु,
हम निर्बल हैं, आपके बल को मांगते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।